हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीए निमसेट के बारे में। अब हमारे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए हमने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एमसीए क्या होता है, निमसेट किस चीज़ का एग्जाम है, कौन से एनआईटीज़ होते हैं जो एमसीए करवाते हैं, टॉप पैकेजेस क्या लगते हैं, क्या सिलेबस रहता है टेस्ट का, कब टेस्ट आता है, कब फॉर्म आता है, कब रिजल्ट आता है, ये सारी की सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एमसीए के साथ। एमसीए क्या है? एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हम में से जिन्होंने शायद साइंस पढ़ा है, 12th क्लास में मैथ्स किया होगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, और अब उन्हें प्रोग्रामिंग के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में जाना है। लेकिन उन स्टूडेंट्स में से कुछ होंगे जिन्होंने बीटेक नहीं की, या फिर बीटेक करने के उनके जो है प्लान्स नहीं थे। तो अब काफी सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं, वो भी सेम पैकेजेस से जो एक बीटेक आईआईटी स्टूडेंट को मिलते हैं। अब इसका क्या तरीका है? अगर आप बीसीए के थ्रू जा रहे हैं, बीएससी के थ्रू जा रहे हैं, तो एमसीए वो प्रोग्राम है जिसको अच्छे कॉलेजेस से करने के बाद आपके वही सेम पैकेजेस लगते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आईआईटीएंस बीटेक वालों को ऑफर करती हैं। अब एमसीए की बात करें तो ये 2 से 3 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे स्पेसिफिकली उन कॉलेजेस के ऊपर, टॉप कॉलेजेस जो एमसीए करवाते हैं, जिनमें हम बात करने वाले हैं 11 एनआईटीज की। इन 11 एनआईटीज में सिर्फ एक एनआईटी पटना है जो 2 साल के अंदर एमसीए करवाता है। इसके अलावा एनआईटी वारंगल है जिसमें अगर आप डिप्लोमा के साथ करते हैं तो आपका 2 साल में एमसीए होगा, नहीं तो यूजुअल जो ड्यूरेशन रहता है दैट इज 3 ईयर्स। 2021 के अगर स्टार्ट देखें तो 951 सीट्स हैं इन 11 एनआईटीज के अंदर। साथ के साथ ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हमने आपको दे दिया, ये पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रही होगी। इसके अंदर सारा कैटेगरी वाइज कौन सी एनआईटीज में, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं वो आपको बता दिया है। तो आप अपनी कैटेगरी कोटा जो भी हैं चीज़ें, उस हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन एग्जाम दे सकता है। अब 11 एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए निमसेट नाम का एक एग्जाम होता है, विच इज एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को देने के बाद आप इन एनआईटीज में एमसीए के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 3 साल का फुल टाइम प्रोग्राम आपने किया हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें आपने मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। साथ के साथ आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मिनिमम 60% या फिर 6.5 CGPA आपका आया हो। ये अगर आपने किया है, और इसमें प्रोग्राम्स क्या क्या इंक्लूडेड हैं, अगर आपने BCA किया है, BSc किया है, BSc ऑनर्स, BIT बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज जिसमें कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंक्लूडेड था, या फिर BBA विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो अगर आपने इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और अब आप एमसीए करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, ऊपर वाले क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए। अब शेड्यूल की अगर बात करें थी कि कब होता है निमसेट का एग्जाम, तो रजिस्ट्रेशन इसके लिए शुरू होते हैं अप्रैल में, शुरू भी हो जाते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं। टेस्ट आपका जनरली होता है मई के अंदर, रिजल्ट आता है आपका जून के अंदर। और अगर फी की बात करें तो फॉर्म के जो चार्जेस होते हैं वो 2500 होते हैं, 2500। और अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए थोड़े से चार्जेस कम हो जाते हैं, विच इज 1250 फॉर 2021। ये 2021 के स्टार्ट्स हैं। थोड़ा सा महंगाई बढ़ने की वजह से क्या पता 2022 में चेंजेस आ जाएं, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। अब टेस्ट के अगर पैटर्न की बात करें तो 4 सेक्शंस होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, +4 -1 वाली मार्किंग होती है। पहला सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन आपका होता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं। चौथा सेक्शन होता है जनरल इंग्लिश का जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। अब इन चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस इसी पीडीएफ के अंदर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। पीडीएफ के नीचे हमने सारा का सारा सिलेबस आपको दे दिया है ताकि आप रेफर कर सकें। अगर आप अप्रैल वाले, मई वाले टेस्ट के लिए अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सिलेबस हमें ध्यान में रखना है। और अगर आप बीसीए के फाइनल ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ के साथ अगर उन 11 एनआईटीज की बात करें तो ये है उन 11 एनआईटीज की लिस्ट, जिसमें से एनआईटी सूरतकल, एनआईटी त्रिची और NIT वारंगल, ये तीन टॉप NITs हैं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए क्योंकि इनके प्लेसमेंट पैकेजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसमें प्लेसमेंट के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा आए हैं क्योंकि मोस्टली कंपनीज आती हैं और परसेंटेज नंबर ऑफ प्लेस पीपल की ज़्यादा रहती है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं NITs को MCA करने के लिए तो आप इन कॉलेजेस को ज़रूर टारगेट करें। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें, सैलरी की अगर बात करें तो एवरेज पैकेजेस जो रहते हैं वो होते हैं 12 to 13 lakhs पर एनम, यानी 12 से 13 लाख पर एनम आप कमा रहे होंगे। मिनिमम पैकेजेस आपके 4-5 चले जाते हैं, कुछ अच्छे NITs में 6 भी होता है मिनिमम। और हाईएस्ट पैकेजेस की अगर बात करें तो वो कंपेरेबल होते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो बीटेक या इवन एमटेक कर रहे हैं IIT से, और हाईएस्ट पैकेजेस आपके 40+ lakhs पर एनम चले जाते हैं। जो ये पैकेजेस आपको माइक्रोसॉफ्ट, एटलासियन जैसी कंपनीज ऑफर कर रही होती हैं। एंड इवन इससे कम पैकेजेस भी होते हैं, उसमें बेस सैलरी बहुत हाई होती है, काफ़ी सारे पर्क्स आपको मिल रहे होते हैं। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है और अगर आप BCA, BSc इन सारी फील्ड से आ रहे हैं तो MCA एक काफ़ी गोल्डन चांस है अपने प्लेसमेंट के चांसेस, अपने अच्छी इंटर्नशिप्स के, अच्छे पैकेजेस के चांसेस इंप्रूव करने के लिए। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी आपके लिए। अगर आप MCA को टारगेट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। इसके साथ अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning and keep exploring.